जल शक्ति अभियान के तहत खलारी प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा तथा बीडीओ नूतन कुमारी और सीओ रावी किशोर राम विसूत्री अध्यक्ष भरत रजक उपस्थित थे। बीडीओ नूतन कुमारी ने कहा कि जल संचयन करना ही जल शक्ति अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में संचय हो, यही लक्ष्य है। सीओ रवि किशोर राम ने कहा कि बारिश का पानी को बचाना है ताकि अधिक से अधिक जल संचय हो सके। इस अवसर पर सहकारिता पदाधिकारी रामपुकार प्रजापति, बीपीओ कुंजन कुमार, मुखिया पुतुल देवी, मानसी देवी, रामो देवी, कृष्णा रजक, पुष्पा खलको समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जल शक्ति अभियान के है या फिर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस टेक्निक को अपना कर वहाँ भरपूर मात्रा में चले ताकि या हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर भले हम अपने व्यक्तिगत जहाँ पर आवासीय करते हैं जहाँ रहते हैं अपना घर का भूगर्भ जल स्तर बढ़े, इसी तरह से है या भवन है सरकारी कार्यालय है इस पर भी इसी तरह से हम लोगों को टैंक अपनाना होगा। बरसात होता है भरपूर लेकिन वह पानी बह जाता है, बह के किनारे चला जाता है और हमारा जो भूगर्भ जल स्तर है वो बढ़ता नहीं। इस जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य है बारिश से जो पानी आती है उसे हम संचित करें इस तरह से कि भूगर्भ जल स्तर बढ़े। भूगर्भ जल स्तर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ जो आज पानी की समस्या हो रही है वो पानी की समस्या। जल शक्ति अभियान सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी पहल है, एक योजना है जिसके अंदर जितना हम लोग पानी बचा सके वही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें हर एक गांव में हम लोग को ऐसा योजना बनाना है जिससे कि जो गांव का पानी हो वो गांव में ही रहे और खेत का पानी खेत में ही रहे, वो बर्बाद ना हो। तो इसके लिए हम लोग को बहुत सारे उपाय करने हैं। इसमें सबसे पहले है कि मनरेगा के तहत TCB यानी ट्रेंच कम बंड आप जिसको बोलते हैं मेहरबंदी, जिससे जो बारिश का पानी है वो ढलान से उतरता है तो वो मेहर के तहत रुक जाए, या फिर गड्ढा करके ट्रेंच कम बंड यानी वहाँ पे गड्ढा बना देते हैं जिससे पानी उसमें जम जाए तो वो पानी बह के नहीं जाएगा। इसके अलावा जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है तो उसमें लूज बोल्डर चेक डैम है ताकि पानी को रोकने का उपाय है, और फिर आपको गली प्लगिंग है जहाँ बह रहा है वहाँ बहुत सारे पत्थर देके आप रोक दें। इस तरह से जितनी योजनाएं मतलब मनरेगा के तहत जितनी योजनाएं लेकिन पानी बचाव को लेकर वो सब करना है। इसके अलावा अन्य विभाग से भी है जैसे शिक्षा विभाग से है कि आपको हर स्कूल के छत पे या जैसे वहाँ पे जितना बारिश का पानी जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं बारिश का पानी को सीधे ज़मीन में पहुँचाना है। इसके लिए आप छत से एक पाइप लगा के और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको ज़मीन में डाल देने से वो पानी बारिश का पानी खेत में चला जाएगा। और इसके अलावा अंचल से भी बहुत कार्य करने हैं जैसे जितने पुराने तालाब हैं सबकी सफाई है ताकि पानी ताकि गंदगी भी ना हो, साफ सफाई भी हो जाए और साथ में जो पानी का है वो संग्रहण हो सके। इसके अलावा और जितने भी अभियान हैं बस अभी जल संचय को ही लेकर हैं मुख्यतः, और इनमें यही सब वृक्षारोपण है। आप जितना वृक्षारोपण कर सके उतना पानी जो है उसका लेवल ठीक रहेगा। मेन वही है कि पानी हम किस तरह जो जल है आकाश का उसको किस तरह धरती पे रोक सके और पहुंचा सके, यही जल शक्ति अभियान का मेन मुख्य उद्देश्य है कि पानी का संचयन हो किस तरह।